वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड में हम रोज 25 सवालों को लेकर आते हैं, जिनका कलेक्शन बेस्ड ऑन आने वाले एग्जामिनेशंस, जैसे कि NTPC के भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, CHSL के एग्जामिनेशन आने वाले हैं और बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन आने वाले हैं दोस्तों। तो बेस्ड ऑन दैट एग्जामिनेशंस हमने ये क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड के अंत में एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और उसका हम जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देते हैं दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड कल के पूछे हुए सवाल से। तो कल का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, याद रहे कि ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हिंदी में प्रकाशीय फाइबर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्न्याशय, आमाशय, आंत या फिर मस्तिष्क? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंत। दोस्तों, याद रहे टाइफाइड में सबसे पहले स्प्लीन यानी कि प्लीहा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों, टाइफाइड में आंत इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है और इसके बाद इसमें ब्लीडिंग आरंभ हो जाता है। दोस्तों, याद रहे अगर आंत और स्प्लीन दोनों ही ऑप्शंस में रहे और आपके पास ये भी ऑप्शन हो कि आंत और प्लीहा दोनों सही होगा तो उसको आप टिक करें, और नहीं तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो तो आंत और स्प्लीन में आप स्प्लीन को का चयन करें, क्योंकि सबसे पहले वह स्प्लीन ही प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक या फिर ट्रिपनोसोम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटमीबा। तो दोस्तों, याद रहे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसका पूरा नाम होता है, ये पेचिस यानी कि एमेबोइक डिसेंट्री के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटे होने के से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल के छोटे होने से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। तो दोस्तों, दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि की बीमारी आई बॉल के छोटे होने के कारण होती है। याद रहे दोस्तों, दूर दृष्टि बीमारी में नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या फिर शैवाल? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। दोस्तों, हैजा जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलरा कहते हैं, ये विब्रियो कॉलरी, याद रहे दोस्तों ये भी सवाल में पूछता है, विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों, ये विब्रियो कॉलरी के कारण ये बीमारी होती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है, NH51,
NH15, N1H5 या फिर H5N1। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी H5N1। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय यानी कि टीथ डिके होता है? जिंक, लौह, फ्लोरीन या फिर तांबा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। दोस्तों याद रहे कि दंत क्षय यानी कि डिके इन टीथ जो होता है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली की एक्सरे के लिए, मस्तिष्क की एक्सरे के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आहार नाल की एक्सरे के लिए। दोस्तों ये जो बेरियम मील ये अपर एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ओसोफेगस के एक्सरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ओसोफेगस का स्पेलिंग आप दोस्तों ई से भी शुरू होता है और ओ से भी शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बेरियम मील का इस्तेमाल ओसोफेगस के एक्सरे के लिए किया जाता है, याद रहे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टेसिस या फिर हेमरेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इस्कीमिया। तो रक्त की अपर्याप्त मतलब इनसफिशियंट अवेलेबिलिटी को इस्कीमिया कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए या फिर कुष्ठ रोग के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो दोस्तों याद रहे बीसीजी का वैक्सीनेशन ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर प्लांट या फिर पावर हाउस भी कह सकते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहा जाता है किसे माइटोकॉन्ड्रिया को। जबकि हरित लवक में क्या होता है, हरित लवक में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है ऑफ द सेल। दोस्तों इसे सुसाइडल बैग के अलावा इसे एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल याद है दोस्तों। तो पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली यानी कि एटम बॉम्ब ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है, हरित लवक जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, राइबोसोम जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड, पाइरुविक अम्ल यानी कि पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज व एटीपी या फिर फ्यूमेरिक अम्ल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पाइरुविक अम्ल। दोस्तों याद रहे क्रेब्स साइकिल में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्न्याशय।
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, फेफड़ा, हृदय, यकृत यानी कि या ब्रिक। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक यानी कि गुर्दा यानी कि इसे किडनी कहा जाता है। दोस्तों किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्टरेशन होता है। तो दोस्तों ब्लड का फिल्टरेशन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। यदि किडनी यानी कि वृक काम करना बंद कर दे तो कृत्रिम रूप से ब्लड का फिल्टरेशन किया जाता है जिसे डायलिसिस कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम को या फिर हार्मोन के प्रकार को। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग को यानी कि फीटस के सेक्स के बारे में एमिनोसेंटेसिस के प्रोसेस से पता किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। सेरिब्रम किससे संबंधित है, यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फिर नाड़ी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है, यकृत, अमाशय, अग्न्याशय या फिर ग्रहणी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। दोस्तों याद रहे पित्त यानी कि बाइल जिसका सिंथेसिस, जिसका निर्माण, जिसका प्रोडक्शन लीवर में यानी कि यकृत में होता है, जबकि यकृत का ही एक भाग जिसे गॉल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय कहा जाता है उसमें ये पित्त जाके एकत्रित होता है और जब जब आवश्यकता होती है तो पित्ताशय से ड्यूडेनम में बाइल का स्राव होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या फिर उदर। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उदर यानी कि आमाशय यानी कि स्टमक। दोस्तों याद रहे सबसे पहले प्रोटीन के पाचन के लिए जो प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो प्रोटीन पे कार्य करता है, उसका नाम है पेप्सिन, जो कि स्टमक से निकलता है। कहां से स्राव होता है पेप्सिन, स्टमक से निकलता है। फिर आती है बारी ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचक के लिए यानी कि प्रोटीएज एंजाइम है जो कि निकलता है पेनक्रियास से। और तीसरा जिसे हम एरिप्सिन कहते हैं, एरिप्सिन जो निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो दोस्तों अमाशय से जैसे ही जो अधपचा भोजन है यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले अमाशय में पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, फिर ट्रिप्सिन से ड्यूडेनम में होता है और फिर एरिप्सिन से स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है, शिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका तंत्र से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। दोस्तों नाड़ी दर का पता धमनी से किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर एरिप्सिन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में हम ऑलरेडी पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एरिप्सिन की चर्चा कर चुके हैं। रेनिन ये भी स्टमक से ही निकलता है। दोस्तों इसका एक ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम से, दोस्तों से हमारा रिक्वेस्ट है, दोस्तों इसका आप स्पेलिंग ध्यान रखेंगे,
RENIN जो होता है ये एक तरह का एंजाइम होता है जो स्टमक से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? स्टमक से निकलता है और यह मिल्क प्रोटीन पर कार्य करता है। मिल्क प्रोटीन पर कार्य करता है जो मिल्क प्रोटीन पचाता है। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है दोस्तों? कैशीन प्रोटीन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। याद रहे कैशीन प्रोटीन पर कौन कार्य करता है? रेनिन कैशीन प्रोटीन पर कार्य करता है। स्पेलिंग याद रहे RENIN। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक छोटी नई पेशी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। तो दोस्तों याद रहे कि अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, मतलब बोन टू मसल, याद रहे बोन टू मसल जोड़ने वाला जो होता है उसे टेंडन कहते हैं, और जो बोन टू बोन जोड़ता है, बोन टू बोन जोड़ता है उसे लिगामेंट कहा जाता है दोस्तों, लिगामेंट। तो बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या फिर 32। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 32, यानी कि 32 फीट लंबी होती है जो क्या कहते हैं पाचन नली, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो राइट स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी एंड एंड सेट एनस। तो मुख गुहा से लेकर एनस तक यानी कि गुदा तक इसकी लंबाई 32 फीट की होती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? यकृत, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। दोस्तों भोजन का अवशोषण स्टमक से शुरू हो जाता है, और या तो अगर आप टू बी वेरी प्रिसाइज अगर कहें तो आप मुख गुहा से भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसका अवशोषण मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयां जो दी जाती है, कही जाती हैं कि आप जीभ के नीचे दबा कर रखें ताकि उसका अवशोषण वहीं से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे सवाल है कि रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्न्याशय, विक या फिर यकृत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यकृत। दोस्तों जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हम जो जिस भोजन के सहारे टॉक्सिन्स भी हम गलती से भोजन में ले लेते हैं, उन सारे टॉक्सिन्स जो कि शरीर में रहने पर वो हमें हानिकारक होते हैं या फिर उनका कोई कार्य नहीं है, उन सारे पदार्थों को जो विषैले हैं उन सारों का अवशोषण लीवर कर लेता है, और बाद में उसे यूरिया या फिर अदर तरीके से ब्लड से डालकर जिसका फिल्टरेशन किडनी में हो जाता है और वह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हेपरिन, फाइब्रिनोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेपरिन, जिसे एंटी कोगुलेंट कहा जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्लॉट यानी कि थक्का होने में मदद करता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क
या फिर मध्य मस्तिष्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। हम फिर कल उपस्थित होंगे 25 सवालों के सेट के साथ, जिसका चयन फिर से हम आने वाले जो तीन एग्जामिनेशन जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं के लिए करेंगे। और दोस्तों जो लोग इससे जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उस इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त करने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल है, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा या फिर रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। कल हम फिर उपस्थित होंगे नए रैपिड फायर राउंड के साथ। तब तक दोस्तों वीडियो देखते रहें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप जो घंटी है उस घंटी को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ।